हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड दोस्तों, फाइनली हमारे हाथ में आ चुका है पोको का पोको M3, जो कि रिसेंटली लॉन्च हो चुका है इंडिया में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इस पोको M3 की अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट लुक के बारे में, एंड बताने वालों कि इस फोन में आपको क्या कुछ खास देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, हम बात करने वाले कि किस प्रकार से आप इस फोन को 10,000 के प्राइस पॉइंट पे ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, काफी सारे इसमें सेल्स आने वाले हैं। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखते रहिए, ताकि आपको समझ में आए कि यार पोको M3 आपको परचेस करना चाहिए कि नहीं चाहिए। सारी जानकारी आज के इस वीडियो में बताने वाले। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सुगज, फाइनली हमारे हाथ में आ चुका है लेटेस्ट लॉन्च स्मार्टफोन, जो कि है पोको M3। एंड दोस्तों, मैंने इसको फर्स्ट सेल में परचेस किया था, मतलब कि 9 फरवरी को फर्स्ट सेल था, तो इस सेल में इसको मैंने परचेस किया था। वैसे दोस्तों, ICICI बैंक का कार्ड था, एंड जितने सारे लोगों ने ICICI बैंक के ऊपर उसको परचेस किया है, तो सारे लोगों को 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल चुका है। मतलब कि ये जो फोन की प्राइस है, 10,000 के इफेक्टिव प्राइस में इसको लिया है। लेकिन दोस्तों, अगर और भी कुछ सेल में इसको परचेस करें तो फ्लिपकार्ट में सेल्स आते रहते हैं, तो ऐसे काफ़ी सारे सेल्स में पोको M3 को डिस्काउंट के साथ परचेस कर सकते हैं। तो फाइनल दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे, मैंने रिटेल बॉक्स यहाँ पर ओपन किया है, एंड बॉक्स का जो कलर आप देखेंगे येलो टाइप का कलर है। एंड दोस्तों, इसके पहले पोको M2 या फिर पोको M2 प्रो के जो भी बॉक्स थे, मतलब कि रिटेल बॉक्स थे, ब्लैक ग्रे टाइप के कलर थे, लेकिन इस बारे में देखेंगे आपको कुछ येलो कलर के बॉक्स देखने को मिल जाते हैं। बॉक्स के बैक साइड में देखेंगे कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन किए गए हैं, जैसे कि इस पोको M3 डिवाइस में आपको 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, 6000 mAh की पावरफुल बैटरी बैकअप मिल जाता है विद 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट टेक्नोलॉजी है। उसके बाद क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 का लेटेस्ट प्रोसेसर है। उसके बाद 6.53 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के सपोर्ट के साथ है, 8 मेगापिक्सल की सुपर सेल्फी। उसके बाद डुअल स्पीकर से डुअल वोल्टी है, साथ ही साथ 200 USB टाइप सी पोर्ट है। एंड मेरे पास जो रिटेल यूनिट है, वो आप देखेंगे कूल ब्लू कलर है, 6GB 64GB स्टोरेज है। सो गाइस, जल्दी से करते इस फोन को अनबॉक्स, एंड देखते कि इस बार पोको की तरफ से पोको M3 DS में बॉक्स के अंदर क्या कुछ बॉक्स कंटेंट मिल जाता है। एंड दोस्तों, पोको M3 का बॉक्स ओपन करने के बाद एज यूजुअल हमेशा की तरह आपको एक छोटा सा पैकेट, मतलब एक और छोटा सा बॉक्स मिल जाता है, जिसके अंदर आपको केस कवर है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन एंड सिम इंसर्शन टूल मिल जाता है। तो पैकेट को ओपन करने के बाद दोस्तों, जैसे कि आप देखेंगे, आपको सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है। आपको जो ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट है, उसको रिमूव करने के लिए फिर सिम कार्ड microSD कार्ड लगाना है, तो उसको यूज कर सकते हैं। उसका दोस्तों, अंदर की तरफ देखेंगे, आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे कि मैंने कहा कि इसमें आपको कुछ यूजर मैनुअल्स या फिर यूजर गाइड्स है, जो कि आपको इस पैकेट में आपको ऊपर के साइड में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, हम बात करेंगे और चीज के बारे में, जो कि आप देखेंगे ट्रांसपेरेंट बैक केस कवर है। एंड मुझे स्पेशली ट्रांसपेरेंट बैक केस कवर काफी पसंद आते हैं, क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे आपके जो फोन का लुक है, एक्चुअल जो भी बैक डिजाइन है या फिर जो भी कलर है, इस केस कवर की वजह से और भी शानदार दिखता है। इसके बाद दोस्तों, हम बात करेंगे बॉक्स के अंदर क्या कुछ चीज़ें देखने को मिल जाते हैं, जो कि हैंडसेट, जो कि पोको M3 का हैंडसेट है। सो गाइस, पोको M3 को हम बाहर निकालेंगे, एंड बाहर निकलने के बाद देखेंगे हाथ में लेके, काफ़ी शानदार आपको बैक लुक का डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देखेंगे इस बार पोको की तरफ से कुछ अलग ही हटके डिज़ाइन को देखने को मिल जाएगा। एंड जो कैमरा माउंटिंग आप देखेंगे, रेक्टेंगुलर शेप में आपको कैमरा माउंटिंग देखने को मिल जाता है। वैसे दोस्तों, मेरे पास जो कलर है उसका नाम है कूल ब्लू। अगर आपको और भी कलर लेना है, तो ब्लैक कलर से या फिर जो येलो कलर से, तो और भी कलर्स अगर आपको पसंद आता है तो उसको भी परचेस कर सकते हैं। तो फोन को करते हैं स्टार्ट, एंड दोस्तों स्टार्ट करने के बाद देखेंगे बॉक्स के अंदर और भी क्या कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो बॉक्स के अंदर देखेंगे आपको एक चार्जिंग एडेप्टर मिल जाता है, जिसका आउटपुट रेटिंग दे सकते हैं 5V 3A, मतलब कि बॉक्स के अंदर आपको 18W का जो चार्जिंग एडेप्टर बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाता है। तो अपने फोन की जो बैटरी थोड़ी सी फास्ट चार्जिंग करने में काफी हेल्प होने वाली है। इसके बाद हम बात करेंगे और भी क्या कुछ आपको बॉक्स कंटेंट मिल जाता है, जो कि आप देखेंगे आपको चार्जिंग केबल, मतलब कि USB डेटा केबल है, वो आपको USB टाइप सी केबल मिल जाता है, जिसे हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर या फिर चार्जिंग के लिए। तो इस टाइप से देखेंगे बॉक्स अंदर आपको कुछ बॉक्स कंटेंट देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस, ये है लेटेस्ट लॉन्च स्मार्टफोन, जो कि पोको की तरफ से पोको M3 डिवाइस लॉन्च किया गया है। एंड दोस्तों, इस बार जो बैक डिजाइन देखेंगे, जो कि यार काफी हटके लुक है। तो फोन कम करते हैं जल्दी से स्टार्ट, एंड दोस्तों फोन को स्टार्ट करके देखेंगे जो भी कुछ सेटिंग्स रहते हैं उसके ऊपर चीज को फॉलो करेंगे, एंड आपको आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 12 विद एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट मिल जाता है इस पोको M3 डिवाइस में। सो गाइस, मैंने अपने पोको M3 डिवाइस को देखेंगे स्टार्ट किया गया। एंड दोस्तों, स्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे फर्स्ट इंप्रेशन में, सो गाइस ऐप ड्रॉअर खोलने के बाद देखेंगे आपको कुछ ब्लॉटवेयर देखने को मिल जाता है, जैसे कि कुछ अनवांटेड छोटे मोटे गेम्स है, उसके बाद कुछ छोटे मोटे एप्लीकेशन है। लेकिन दोस्तों, जो भी एप्लीकेशन या फिर जो भी गेम्स अगर आपको नहीं चाहिए, तो उसको रिमूव कर सकते हैं, मतलब कि अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो फोन का ऐप ड्रॉअर खोलने के बाद आपके सामने कुछ अनवांटेड या फिर ब्लॉटवेयर देखने को मिलेंगे, एंड जो जो आपको रिमूव करना है उसको रिमूव भी कर सकते हैं। उसका दोस्तों, बात करेंगे कंट्रोल सेंटर, मतलब कि इसमें आपको लेटेस्ट MIUI 12 का अपडेट मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, जो कंट्रोल सेंटर आप देखेंगे काफी टिपिकली, मतलब कि बैकग्राउंड देखेंगे आपको ग्रे टाइप का बैकग्राउंड मिलता है, तो हो सकता है कि
नेक्स्ट अपडेट के बाद आपको ट्रांसपेरेंट जो भी बैकग्राउंड ब्लर का इफेक्ट है कंट्रोल सेंटर में देखने को मिल जाएगा। बाकी जितने सारे फंक्शंस, जितने सारे फीचर्स है जो कि आपको सेटिंग में देखने को मिल जाता है, तो सेटिंग ओपन करने के बाद देखेंगे आपको 12.0.3.0 का लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल जाता है। उसके बाद स्पेसिफिकेशन में जाने के बाद देखेंगे आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट मिल जाता है। सो गाइस इसमें आपको फ्यूचर में एंड्रॉइड 11 का भी अपडेट देखने को मिल जाएगा एंड जो भी लेटेस्ट लॉन्च है 12.5 का अपडेट है वो भी आपको इस पोको M3 डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों बात करेंगे फीचर्स के बारे में, जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि MIUI 12 में जितने सारे नए नए फीचर्स ऐड हो चुके हैं वो सारे के सारे फीचर्स आपको पोको M3 में देखने को मिल जाता है। फर्स्ट इंप्रेशन या फिर फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे तो राइट साइड में देखेंगे आपको पावर मेनू मतलब कि पावर बटन देखने को मिल जाता है एंड साथ ही साथ आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। तो काफी अच्छी बात है कि यार 10-11 हज़ार के प्राइस पॉइंट पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको वॉल्यूम रॉकर की मतलब कि वॉल्यूम अप या फिर वॉल्यूम डाउन की बटन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे साइड मतलब कि लेफ्ट साइड के बारे में, तो पोको M3 डिवाइस में देखेंगे लेफ्ट साइड में आपको सिम कार्ड ट्रे देखने को मिल जाता है, जिसमें आप देखेंगे ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट है, 2 नैनो सिम कार्ड के साथ साथ 1 माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट इसमें देखने को मिल जाता है। तो ये भी काफी अच्छा प्लस पॉइंट है जो कि आप देखेंगे 2 नैनो सिम कार्ड इंसर्ट करने के साथ साथ अपना जो भी माइक्रो एसडी कार्ड है उसको भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद सब बात करेंगे इस फोन के बॉटम साइड की तरफ, सो गाइस बॉटम साइड में देखेंगे आपको यूएसबी टाइप सी पोर्ट का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, माइक्रोफोन है, उसके बाद देखेंगे स्पीकर्स है जो कि फर्स्ट स्पीकर है। इसके बाद नजर डालेंगे टॉप साइड में, सो गाइस टॉप साइड में देखेंगे आपको एयर ब्लास्टर सेंसर मिल जाता है, 3.5 mm ऑडियो जैक मिल जाता है, सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक मिल जाता है एंड डुअल स्पीकर में देखेंगे दूसरा स्पीकर आपको एयर ब्लास्टर सेंसर के साथ ही देखने को मिल जाता है। तो गाइस इस प्रकार से देखेंगे फिजिकल ओवरव्यू मतलब कि काफी शानदार आपको फोन मिल जाता है पोको M3 डिवाइस है। बैक साइड में देखेंगे जो भी कैमरा अलाइनमेंट है, जैसे कि मैंने कहा कि आपको रेक्टेंगुलर शेप में कैमरा माउंटिंग मिल जाता है एंड दोस्तों जो भी कैमरा माउंट आप देखेंगे ग्लास का है, उसके नीचे देखेंगे आपको जो बैक है पॉलीकार्बोनेट का बैक है, लेकिन आप देखेंगे इस बार पोको की तरफ से आपको कुछ लेदर फिनिशिंग मतलब कि लेदर स्टाइल का फिनिश देखने को मिल जाता है। बैक कैमरे के बारे में बात करेंगे जो कि आपको 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा है, जिसमें 2 मेगापिक्सल आपको डेप्थ सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस है। उसके बाद फ्रंट सेल्फी कैमरे के बारे में बात करेंगे जो कि आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में बात करेंगे जो कि काफी शानदार आपको डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिल जाती है, 6.53 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है विद कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है एंड दोस्तों डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में बात करेंगे जो कि काफी अमेजिंग आपको डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिल जाती है, जो कि आप देखेंगे 10,000 या फिर 11,000 प्राइस पॉइंट पे आपको ऐसा कोई भी डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा। सो पोको M3 की जो भी डिस्प्ले क्वालिटी उसके ऊपर मैं काफी खुश हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे और भी कुछ चीजों के बारे में, जैसे कि आप देखेंगे पोको M3 डिवाइस में इनबिल्ट काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे दोस्तों हम बात करेंगे कैमरे के बारे में, सो गाइस कैमरा एप्लीकेशन ओपन करने के बाद देखेंगे आपको इस पोको M3 डिवाइस में आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 12 का अपडेट मिल जाता है। इसके वजह से पोको M3 डिवाइस का जो कैमरा काफी आपको वेल ऑप्टिमाइज एंड काफी आपको बेटर फीचर्स के साथ देखने को मिल जाता है। सो गाइस मैंने कुछ कैमरा सैंपल्स भी कैप्चर करके रखे, जैसे कि फ्रंट सेल्फी कैमरा है, उसके बाद रियर कैमरा है। सो गाइस कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी है, लेकिन दोस्तों अगर आपको कैमरा का कुछ अलग डिटेल में वीडियो देखना है तो पोको M3 डिवाइस का जो कैमरा सेटिंग्स, कैमरा फीचर्स है उसके मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है। सो गाइस अगर आपको देखना है तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो कैमरा क्वालिटी, उसके बाद कैमरा के फीचर्स, कैमरा के सेटिंग्स का वीडियो देखना है तो अलग से उसका वीडियो भी चेकआउट करके देख सकते हैं। एंड साथ ही दोस्तों अगर कोई पोको M3 डिवाइस के हिडन फीचर्स मतलब कि टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो देखना है तो भी वीडियो आप देखेंगे चैनल पे चेकआउट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।